बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने पिछले लेक्चर में लेजर अकाउंट की जो है बेस जो है वो बताई थी कि लेजर अकाउंट बेसिकली होता क्या। बेसिकली अकाउंटिंग में जो है वो दो बुक्स जो है वो हम मेंटेन करते हैं, जिसमें से एक बुक जो है वो जर्नल है और दूसरी को जो है वो हम लेजर कहते हैं। तो अकाउंटिंग के अंदर आपको मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का वर्ड लिखा हुआ नज़र आएगा। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स से मुराद जो है वो यही है कि बेसिकली दो अकाउंटिंग की जो है वो दो मेजर बुक्स हैं, जर्नल और लेजर। जर्नल के अंदर जो है वो आपको मैंने बताया हुआ है कि हम एंट्रीज पास करते हैं, यानी ट्रांजेक्शन हमें बताई हुई होती हैं, उन ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं इन फॉर्म ऑफ एंट्री। एंट्री के अंदर हम जो है वो दो अकाउंट्स जो है वो बना रहे होते हैं, या एंट्री की दो साइड्स होती हैं, एक होती है डेबिट साइड और दूसरी होती है क्रेडिट साइड। तो जर्नल में हम एंट्रीज पास करते हैं, जब एंट्रीज बना लेते हैं तो उससे अगली जो स्टेज होती है वो लेजर अकाउंट बनाने की होती है। लेजर अकाउंट किस तरह से बनता है ये मैंने आपको पिछली वीडियो में जो है वो डिटेल से बताया था कि लेजर अकाउंट है क्या, इसको जो है वो हम अकाउंटिंग साइकिल की किस स्टेज के अंदर जो है वो देख रहे होते हैं। तो बेसिकली जो फर्स्ट फेज ऑफ अकाउंटिंग साइकिल है दैट इज़ कॉल्ड रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग जर्नल में होती है। और सेकंड फेज ऑफ अकाउंटिंग साइकिल जो है वो क्लासिफिकेशन है, जो कि हम लेजर में करते हैं। लेजर का इंट्रोडक्शन जो है वो पिछली वीडियो में मौजूद है। आप यहाँ पर जो इस वीडियो में डिस्कस कर देखेंगे मेरे साथ, वो लेजर अकाउंट का फॉर्मेट देखेंगे। फॉर्मेट के वाले से मैं आपको बता दूँ, दो तरह के जो है वो फॉर्मेट हम यहाँ पर देखते हैं इस चैप्टर के अंदर। एक तो होंगे नीट फॉर्मेट। नीट फॉर्मेट के वाले से मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ कर दूंगा, आपकी बुक में जो है वो ड्रॉ हुआ हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं इसको। तो बुक में जिन लोगों ने लेजर का चैप्टर पहले देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो उनको अंदाज़ा होगा कि नीट फॉर्मेट जो है वो काफ़ी लेंथी होता है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमें कॉलम्स बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर बोर्ड पर जगह इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने जब क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो एक क्वेश्चन के अंदर कोई 8 से 10 जो है वो अकाउंट्स तो लाजमी बन रहे होंगे। तो अकाउंट्स जब आपने बनाने होंगे तो उसके लिए जो है वो आपको बार बार जो है बोर्ड जो है वो रेस करना पड़ेगा और आपकी कंसनट्रेशन लूज़ होगी, हो सकता है आपको अच्छे तरीके से समझ ना आए। तो फिर मैं करूँगा क्या, एक मरतबा आपको नीट अकाउंट कैसे बनाते हैं वो फॉर्मेट यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा दूंगा। उसके बाद जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चंस के अंदर जो है वो मैं रफ अकाउंट बनाऊंगा। रफ अकाउंट के अंदर मेन कॉलम में लाजमी उठाऊंगा, यानी जिन कॉलम्स के अंदर हमने चीज़ों को लिखना है, जो कॉलम्स जो है वो इंपॉर्टेंट है वो हम लाजमी ड्रॉ करेंगे, और वन बाई वन उन रफ कॉलम्स को ड्रॉ करके हम प्रोसीड करेंगे ट्रायल बैलेंस की तरफ। अगली जो मेरी वीडियो आ रही है वो ट्रायल बैलेंस की है, ट्रायल बैलेंस में क्यों बनाते हैं, क्या पर्पज़ है, वो मैं सारा उसके अंदर डिस्कस करूँगा। और उससे फिर वेरी नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के जो कि चैप्टर नंबर हमारा 5 है, उसके चैप्टर उसके क्वेश्चंस का बकायदा आगाज़ कर देंगे। तो ये वाली जो वीडियो है, इस शॉर्ट सी वीडियो में मैं आपको लेजर अकाउंट का फॉर्मेट बताने लगा हूँ। तो फॉर्मेट में होगा क्या, लाइक आपने कैश का अकाउंट बनाना है तो कैश अकाउंट ऊपर हेडिंग दे देंगे, और उसके बाद यहाँ पर जो है वो आप अकाउंट्स की हेडिंग देंगे। यहाँ पर जब सबसे पहले मैंने लिखा डेट, उसके बाद पर्टिकुलर्स, फिर आप लिखेंगे यहाँ पर JR, फिर आप यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट और नीचे रुपीस का वर्ड। यही 4 चीज़ें आप दोबारा से कॉपी कर लेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, JR, अमाउंट। बेसिकली हम अकाउंटिंग कर रहे होते हैं डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हुए। तो डबल एंट्री सिस्टम में एक साइड जो है वो डेबिट होती है, दूसरी क्रेडिट होती है। इसी तरह जब एंट्रीज हमने पास की थी, आपको याद होगा, एक हमने डेबिट की साइड पर अमाउंट लिखी थी और एक अमाउंट क्रेडिट साइड पर आती थी। इसी तरह से जब आप लेजर के अकाउंट बना रहे होगे तो इसकी भी जो है वो 2 साइड्स होंगी। अब ये आपका जो है वो मिडल पोर्शन है इस अकाउंट का, क्योंकि इससे आगे जो है वो आपको यही वाले कॉलम्स जो है वो दोबारा से मिल रहे हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ड्रॉ किया है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है जी, यहाँ तक, ठीक है। ये वाला एरिया आपका लेफ्ट साइड का है, ये मैं डबल लाइन लगा देता हूँ सो दैट कि आपको भी अंदाज़ा हो और आप भी अपने एंड पर थोड़ा सा जो है मार्कर के साथ ज़रा मोटी लाइन लगाएंगे और डिस्क्रिमिनेट कर देंगे कि ये वाली लेफ्ट साइड है और उससे आगे जो है वो फर्दर जो लाइन्स ड्रॉ होंगी ये राइट साइड के लिए। तो किसी भी अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड जो होती है वो डेबिट साइड होती है, और जो राइट हैंड साइड होती है वो क्रेडिट साइड होती है। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों आपस में हम देख रहे हैं कि कॉलम वाइज जो है वो सेम कॉलम्स हमने ड्रॉ किए हैं।
अब इन अकाउंट कॉलम्स के अंदर हमने लिखना क्या होता है, शॉर्टली आपको बता देता हूँ, बेहतर आइडिया आपको क्वेश्चन के अंदर होगा। ठीक है, लिखना क्या होता है जी इसके अंदर, नंबर फर्स्ट पर हमने जो चीज़ लिखनी होती है वो है डेट। डेट आप मेंशन करेंगे, उसके बाद पर्टिकुलर के अंदर आप अकाउंट का नाम लिखेंगे। लाइक अगर आपने लिखा यहाँ पर सेल्स अकाउंट, अब ये कहाँ से उठाया होगा, आपने एंट्री के अंदर से उठाया होगा। ठीक है, फिलहाल आप इतना याद रखें, अकाउंट का नाम इधर आएगा, अमाउंट इधर आएगी, लाइक मैं लिख रहा हूँ जी 5000 रुपये से। ठीक है, और यहाँ पर जे आर का जो वर्ड है, जे आर स्टैंड्स फॉर जर्नल रेफरेंस। आपको ये बात पिछली वीडियो में मैंने बता दी थी कि पहले जो है वो जर्नल बनता है, फिर लेजर बनता है। तो जर्नल की जो एंट्रीज होती हैं वही लेजर में आती हैं और उनके हम अकाउंट्स बना रहे होते हैं। तो जर्नल के जिस पेज से भी हम कोई एंट्री उठाते हैं, लाइक एक एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अब ये एक एंट्री है जो आपने जर्नल के अंदर पास की हुई है और इसके पेज नंबर 10 पर पास की हुई है। अब लेजर में जब आप आएंगे और लेजर में जब आप अकाउंट बना रहे होंगे तो पेज 10 पर आपको ये एंट्री मिल रही है, तो लेजर अकाउंट के अंदर आपने जर्नल के जिस पेज से ये वाली एंट्री ली है वो पेज नंबर आप यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेल्स अकाउंट 5000 से जे आर 10, इसका मतलब क्या कि ये वाली जो एंट्री है और ये जो अमाउंट है ये आपको जर्नल रेफरेंस, जर्नल की बुक ओपन करें और वहाँ पर आप पेज नंबर 10 पर आप डायरेक्ट चले जाएं तो आपको इस एंट्री की डिटेल जर्नल के अंदर मिल रही होगी। यानी कि ये रेफरेंस जो है वो दोनों बुक्स का आपस में एक समझ लें कि लिंक क्रिएट करता है और हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि जो भी एंट्रीज हम यहाँ पर लिख रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, वो बेसिकली लेजर के किस पेज से उठाई गई हैं। तो ये एक वेरिफिकेशन भी हो जाती है और एक अच्छी बात है कि जो है वो रेफरेंसेस लिखे जाएं। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली कर रहे होते हैं ये सारा काम कहीं कंपनी में किसी बिजनेस का, तो फिर जो है वो आपने ये रेफरेंसेस वगैरह लिखने होते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर जब हम अपने क्वेश्चंस की बात करेंगे, सिलेबस की बात करेंगे, अपनी प्रैक्टिस की बात करेंगे या पेपर के क्वेश्चंस की बात करेंगे तो हमने ये रेफरेंसेस वगैरह कोई नहीं लिखने, हमने सिर्फ ये कॉलम बनाना है और दूसरी साइड पर भी कॉलम बनाना है और इसमें जो है वो कोई भी नंबरिंग वगैरह अपनी तरफ से आपने नहीं डालनी। ठीक है, आपको पर्पस बता दिया है, पर्पस इस कॉलम का क्या होता है, लेकिन ये कॉलम यहाँ पर बनेगा तो ज़रूर लेकिन एक्टिवेट नहीं होगा। अच्छा, इसी तरह से क्रेडिट साइड पर क्या करेंगे, डेट लिख रहे होंगे, पर्टिकुलर्स में जो है वो अकाउंट का नाम आ जाएगा, जिस तरह से यहाँ पर अकाउंट का नाम लिखा है। जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा, यानी कैश अकाउंट आप बना रहे हो, अगर कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा तो आप क्रेडिट साइड पर उसकी अमाउंट लिखेंगे और उसके अगेंस्ट जो भी अकाउंट आ रहा होगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो वन बाय वन अब जर्नल से लेजर के अंदर जो है वो आप एंट्रीज को लिखेंगे। जर्नल से डाटा उठाते हैं और लेजर में जब आप पोस्ट कर रहे होते हैं तो उस प्रोसेस को, उस अमल को आप कहते हो पोस्टिंग। तो पोस्टिंग बड़ा अहम काम है, किस तरह से होता है जी ये मैं आपको सिखाऊंगा अपनी अगली वीडियो में जब हम बकायदा से क्वेश्चन शुरू कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपको अभी तो समझ नहीं आ रही होगी कि अमाउंट डेबिट साइड पे क्यों लिखेंगे और क्रेडिट साइड पे क्यों लिखेंगे, यानी पोस्टिंग किस तरह से करेंगे, तो उसके लिए आपको बकायदा क्वेश्चन ही देखना पड़ेगा, तो क्वेश्चन में जो डिटेल से देखेंगे। तो ये तो स्टूडेंट्स ये था यहाँ पे कैश का या लेजर का एक नीट फॉर्मेट। ठीक है, आपने पेपर के अंदर भी जो है वो नीट फॉर्मेट ड्रॉ करना है, लेकिन इतनी लेंथ में नहीं करेंगे। जब हम देखेंगे कि क्वेश्चन के अंदर कौन सी चीज़ का जिक्र ज़्यादा हो रहा है, नॉर्मली कैश की जो ट्रांजैक्शन है वो ज़्यादातर आती हैं, तो कैश का अकाउंट आप बड़ा बना लेंगे, लेकिन कैपिटल की जो इन्वेस्टमेंट है वो एक दफ़ा ही हो रही होती है या एक से दो ट्रांजैक्शन मैक्सिमम आ जाती हैं सवाल में, तो आप क्या करोगे, लाइन्स यही सारी ड्रॉ करोगे लेकिन वो सिर्फ दो से तीन जो है वो पेज की दो तीन या चार लाइंस का जो है वो आप एक छोटा सा अकाउंट बनाएंगे। यानी कि जब आप पूरे पेज की बात करते हैं तो पेज पर जो है वो कैश का अकाउंट आपका बड़ा बनेगा, बाकी जो अकाउंट्स हैं वो आपके छोटे बन रहे होंगे। तो एवरेजली तीन से चार अकाउंट जो नीट अकाउंट जो हैं वो आपके बन सकते हैं एक पेज के ऊपर। ठीक है, तो अगर मैं रफ अकाउंट की बात करूँ, नीट अकाउंट मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, बस ये बता देता हूँ कि आप जब क्वेश्चन यहाँ पर आपको मैं करवा रहा हूँगा तो एक मैंने ये वाला कॉलम यूज़ करना है और एक पर्टिकुलर्स का कॉलम यूज़ करना है, यही दो मेन कॉलम है बेसिकली, अमाउंट लिखी जाए और उसके जो है वो अकाउंट लिखा जाए, इधर भी पर्टिकुलर्स
और अमाउंट का कॉलम मैं यूज़ करूँगा। तो नेट कॉलम बनाने लगूँगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी और बोरिंग हो जाएगी। तो आपका जो मेन काम है वो है पोस्टिंग सीखना, कि जर्नल से एंट्रीज को उठा के लेजर में लिखते कैसे हैं, उनको पोस्ट कैसे करते हैं। तो पोस्टिंग जो है वो आपको पता लग जाएगी इन दो कॉलम्स के बनाने से। बाकी डेट वाला कॉलम कोई टेक्निकल नहीं है, डेट जो बताई होगी वो लिखनी होती है, और जीआर का कॉलम तो हम एक एडिशनल बनाते हैं, उसमें लिखना कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो एक तो ये बात आप याद रखिएगा। दूसरे नंबर पर यहाँ पर ये मैंने तीन बैलेंसेस लिखे हैं राइट साइड पे। बैलेंस की तीन टाइप्स हैं, लेजर का बैलेंस तीन तरह से आ रहा होता है, एक है डेबिट बैलेंस, एक है क्रेडिट बैलेंस और एक है जीरो बैलेंस। डेबिट बैलेंस क्या होता है यहाँ पर आप समझ लें, लेकिन बेहतरीन आइडिया ना आपको क्वेश्चन के अंदर ही होना है जब मैंने अमाउंट्स ड्रॉ करनी है, अमाउंट्स लिखनी है साथ। तो डेबिट बैलेंस क्या होता है, ये आपकी है डेबिट साइड। अगर डेबिट साइड बड़ी हो क्रेडिट साइड से तो आपका जो बैलेंस एंड पर आ रहा होगा ना वो डेबिट बैलेंस होगा। करना क्या होता है, आप ज़रा यहाँ पर ये तरीका कर समझ लें और क्वेश्चन में भी मैं दोबारा से आपको समझा दूँगा। अब लाइक मैं अपनी तरफ से फर्जी अमाउंट लिखता हूँ 5000, 2000, 1000, ठीक है, और इधर जो है वो मैं अमाउंट लिख रहा हूँ लाइक 3000। तो ये जो डेबिट साइड है, ये वाला जो अमाउंट का कॉलम है ये डेबिट साइड वाला है, वाली साइड का कॉलम है, ठीक है। इसका टोटल मैं करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास आ जाता है जी 8000, जबकि दूसरी साइड पर हम लोग देख रहे हैं इधर दोनों साइड जो है वो आपस में बराबर नहीं है, यानी इसका टोटल जो है वो 3000 है। लेकिन हमने यहाँ पे 3000 नहीं लिखना, हम बेसिकली अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम के मुताबिक, ठीक है। और डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है कि दोनों साइड जो हैं वो आपकी बराबर आनी चाहिए, चाहे आप जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हो, चाहे आप लेजर अकाउंट्स बना रहे हो, चाहे आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो, ठीक है। तो दोनों साइड्स इक्वल करने के लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका टोटल भी वही लिखना पड़ेगा जो ये वाली साइड का। तो रिक्वायरमेंट डबल एंट्री सिस्टम की पूरी हो जाएगी, 8000 इधर है, 8000 ही उधर है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि इसका टोटल 8000 नहीं है। अब इस ये 8000 बनेगा कैसे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ अमाउंट अपनी तरफ से लिखनी पड़ेगी। अब वो अमाउंट कितनी आए कि आप 8000 लिख लो, 8000 रुपया बन जाए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इस अमाउंट में से 8000 में से आप 3000 को जो है वो लेस कर रहे होगे। तो जब आप 8000 यानी जो बड़ी साइड है उसका टोटल किया, उसमें से आपने छोटी साइड को लेस किया, तो बाकी जो अमाउंट आ रही होगी वो 5000 आएगी कैलकुलेटर पर। वो जो 5000 होगी ना उसको आपने यहाँ पर टोटल से बिल्कुल ऊपर वाली लाइन में लिख देना 5000 से, और इसके सामने आपने लिख देना बैलेंस C/D। अब ये C/D जो है वो हम कहते हैं कैरेट डाउन को, ठीक है। C/D का मतलब कैरेट डाउन, ये वो बैलेंस है जो हमने अपनी तरफ से कैरी किया, ठीक है, अपनी तरफ से हम लेकर आए हैं। तो जो बैलेंस हम अपनी तरफ से लिखते हैं टू इक्वल्स द बोथ साइड्स, उस बैलेंस को आप बैलेंस कैरेट डाउन कहते हो, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप कंपेयर कर लो यहाँ पर दोनों साइड्स में से कौन सी साइड बड़ी थी। नज़र आ रहा है कि डेबिट साइड बड़ी है, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो बैलेंस है ना, ये जो 5000 बैलेंस आया, ये हमारा कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस। यानी कि अगर किसी अकाउंट की डेबिट साइड बड़ी है, इफ़ द डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट इज ग्रेटर और हैवियर देन द बैलेंस विल बी कॉल्ड क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस सॉरी, ठीक है, देन द बैलेंस विल बी कॉल्ड डेबिट बैलेंस। लिखा ये क्रेडिट साइड पर जा रहा है, ठीक है, लिखा ये बैलेंस क्रेडिट साइड पर जा रहा है, लेकिन होगा ये डेबिट बैलेंस, क्योंकि बैलेंस जो है वो उसी नाम से पुकारा जाता है जो साइड बड़ी होती है। तो अगर डेबिट साइड बड़ी है तो ये वाला बैलेंस होगा हमारा डेबिट बैलेंस, अगर क्रेडिट साइड बड़ी हो तो बैलेंस आएगा क्रेडिट बैलेंस। अच्छा, क्रेडिट बैलेंस किस तरह से देखेंगे, इसकी एग्जांपल मैं देखता हूँ यहाँ पर। लाइक मैंने ये लिखा है 3000, एक और एग्जांपल हम लोग देखने लगे हैं, ठीक है। अमाउंट्स हम दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है जी 4000, 3000 एंड 1000, और इधर मैं लिख रहा हूँ 1000। अब आप जब इसका टोटल करते हो
तो आप देखें राइट साइड का टोटल, राइट साइड हमें अपेरेंटली बड़ी नज़र आ रही है, तो 4, 3 एंड 1 टोटल हो गया 8,000। राइट साइड का टोटल आ रहा है 8,000। इधर देखा जाए तो इधर 8,000 नहीं है, 899 आपने लगानी होती लाजमी, जब भी आपने अकाउंट का टोटल करना नीचे 999 लगेगी। इधर हम देखते हैं तो 8,000 नहीं आ रहा, लेकिन डबल एंट्री सिस्टम की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इधर भी 8,000 रुपये लिख देंगे, तो दोनों साइड आपकी बराबर यहाँ पर शो हो रही हैं, लेकिन आपको पता है कि ये वाली साइड का टोटल 8,000 नहीं है। तो 8,000 करने के लिए यहाँ पर फर्दर कितनी अमाउंट आनी चाहिए, तो आपको पता लग तो रहा है कि 8,000 अगर नीचे है, इधर 1,000 है, तो 7,000 आनी चाहिए, लेकिन जब अकाउंट बड़ा बन रहा होगा, लेंथी हो रहा होगा, तो उस वक्त प्रोसेस क्या होगा, वो प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। आपने कैलकुलेटर पर करना है क्या, ये जो टोटल आ रहा होगा इसमें से ये वाली अमाउंट जो है वो माइनस कर देनी, अगर एक से ज़्यादा अमाउंट्स हैं तो वो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 8,000 में से 1,000 रुपया माइनस करेंगे तो बाकी जो अमाउंट आएगी वो आ रही होगी 7,000 रुपया। ये 7,000 रुपया होगा जो होगा, इसको आप नाम दोगे बैलेंस कैरी डाउन का, ठीक है। तो इस मरतबा आपने देखा कि बैलेंस जो है वो इस साइड पर आ रहा है। अब ये वाला बैलेंस कौन सा होगा, ये नाम आपको देना है, ठीक है, क्योंकि और इसकी पहचान होनी चाहिए, डेफिनेशन का भी पता होना चाहिए, पहचान भी होनी चाहिए कि ये बैलेंस हमारा डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि अगर आपको डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का आइडिया होगा तभी आप ट्रायल बैलेंस जो है वो सही बना सकते हैं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में जो है वो आपका कोई भी काम मुश्किल नहीं है, सिर्फ यही चीज़ मेन है कि आपने बैलेंस किस साइड पर लिखना है, डेबिट साइड पर लिखना है या क्रेडिट साइड पर लिखना है। अगर अकाउंट का बैलेंस डेबिट आया तो डेबिट साइड पर, अगर क्रेडिट आया तो क्रेडिट साइड पर। तो ये वाला जो बैलेंस है ये कौन सा बैलेंस है, इस बैलेंस को हम क्रेडिट बैलेंस कहेंगे। वो क्यों, क्योंकि रूल बता दिया था कि जो साइड अकाउंट की बड़ी होगी बैलेंस भी उसी नाम से पुकारा जाएगा। तो इस अकाउंट के अंदर, इस एग्जांपल के अंदर अगर हम देखें तो क्रेडिट साइड जो है वो ज़्यादा आ रही है, ठीक है। अब ये लाइक मैंने कैश का अकाउंट नहीं, ये मैं कह रहा हूँ जी ये मैंने कैपिटल का अकाउंट बनाया, या लाइक ये मैंने सेल्स का अकाउंट ड्रॉ कर दिया, तो क्रेडिट साइड जो है वो ज़्यादा आ रही है, तो ये वाला जो बैलेंस होगा ये हमारा क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। क्योंकि डेफिनेशन क्या बताइए कि इफ़ द क्रेडिट साइड ऑफ एन अकाउंट इज ग्रेटर देन द बैलेंस विल बी कॉल्ड क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। वो अलग बात है कि लिखा ये डेबिट साइड पर जाएगा, लिखा डेबिट साइड पर जा रहा है डेबिट साइड की कमी को पूरा करने के लिए, लेकिन होगा ये बाय डेफिनेशन बाय कॉन्सेप्ट इसको जो है वो हम क्रेडिट बैलेंस का नाम देंगे, ठीक है। और इसी बैलेंस ने नेक्स्ट स्टेज में ट्रायल बैलेंस में जाकर शिफ्ट होना होता है, और ट्रायल बैलेंस में हम इसको किस साइड पे लिखेंगे, अगर ये बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है तो ये क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड पर चला जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। मज़ीद आइडिया आपको इसका जो है ना वो जब क्वेश्चन आपको करवाऊंगा तो वहाँ से होगा। तो डेबिट बैलेंस का भी पता लग गया, क्रेडिट बैलेंस का भी आइडिया हो गया। थर्ड जो टाइप है वह जी जीरो बैलेंस। जीरो बैलेंस किसको कहते हैं, डेबिट बैलेंस किसको कहते हैं, अगर किसी अकाउंट की डेबिट साइड बड़ी है तो जो भी बैलेंस आ रहा होगा वो डेबिट बैलेंस कहलाएगा। क्रेडिट बैलेंस किसको कहते हैं, अगर किसी अकाउंट की क्रेडिट साइड बड़ी है ज़्यादा है तो जो भी बैलेंस आएगा वो क्रेडिट बैलेंस होगा, लिखा ऑपोजिट साइड पे जाएगा, यानी क्रेडिट से ऑपोजिट डेबिट साइड पे लिखा जाएगा, लेकिन कहलाएगा ये क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि साइड बड़ी क्रेडिट वाली है तो इसलिए बैलेंस भी ये क्रेडिट ही कहलाएगा, ठीक है। अब थर्ड जो जीरो बैलेंस की हम बात कर रहे हैं, जीरो बैलेंस क्या होता है उसके लिए आप एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, और उसके बाद हम अपनी इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में ट्रायल बैलेंस को डिस्कस करने के बाद हम क्वेश्चंस का बकायदा आगाज करते हैं। लाइक ये अमाउंट्स मैंने इधर लिखी हुई हैं, उधर 4,000, 3,000 एंड 1,000 है, इधर है जी 1,000, 5,000 एंड 2,000। तो ये अमाउंट्स किसी ना किसी अकाउंट के अगेंस्ट आ रही है, और ये वाली भी जो अमाउंट्स हैं ये भी किसी ना किसी अकाउंट्स के अगेंस्ट आ रही हैं, ठीक है जी। अब जब आप इसका टोटल करते हो तो ये कितना आ रहा है जी 5, 1, 6 एंड 2, 8,000, और इधर भी 4 + 3 + 1 इधर भी आ रहा है 8,000। तो क्या ऐसी सूरत में कोई बैलेंस आएगा, कोई बैलेंस इधर नहीं आएगा, क्योंकि डेबिट साइड का जो टोटल है वही क्रेडिट साइड का टोटल है, या इन अदर वर्ड्स क्रेडिट साइड का जो टोटल आ रहा है वही डेबिट साइड का टोटल आ रहा है। तो दोनों साइड्स अगर बराबर होंगी, कोई बैलेंस अगर नहीं आ रहा होगा तो हम उसको क्या नाम देंगे, जीरो बैलेंस। इफ़ द बोथ साइड्स ऑफ एन अकाउंट आर इक्वल्स, ठीक है, अगर दोनों साइड्स बराबर होती हैं तो बैलेंस विल बी कॉल्ड जीरो बैलेंस। डेफिनेशन भी पूछी जाती है, और जीरो बैलेंस में फिर करना क्या होता है, लाजमी बात है जिस अकाउंट का जीरो बैलेंस आएगा
वो उस अकाउंट के जो पैसे हैं वो ट्रायल बैलेंस में शो नहीं होंगे, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में हमने बैलेंसेस का ट्रायल करना होता है, बैलेंसेस को चेक करना होता है, क्या आप बैलेंस हमारे जो है वो सही पोस्ट हुए हैं या नहीं हुए। तो ये हमारा ज़ीरो बैलेंस था। और ये जो जब आप पोस्टिंग कर रहे होते हो और ये जब आप टोटल कर रहे होते हो, तो ये जो टोटल करना है एक साइड को देखकर, दूसरी साइड में से लेस करना है, दोनों साइड को आपस में चेक करना कि कितनी अमाउंट आ रही है, ये वाला जो प्रोसेस है ना जो कैलकुलेटर पर आप कर रहे होते हो, उस प्रोसेस को आप क्या कहते हो? बैलेंसिंग। ठीक है, तो बैलेंसिंग की भी डेफिनेशन जो है वो पूछी गई है कि बैलेंसिंग किसको कहते हैं। तो बैलेंसिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच वी आर टेकिंग द बोथ साइड इन कैलकुलेशन फॉर्म। हम जो है जब हम बैलेंस कर रहे होते हैं दोनों साइड्स को, तो हम कहते हैं कि जी हमने वो वाली जो स्टेज है हमारी वो बैलेंसिंग की है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मैं आपको ट्रायल बैलेंस का एक शॉर्ट सा आइडिया दूंगा, और उसके बाद इस एक्सरसाइज के जो है वो क्वेश्चन हम बाकायदा स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और नेक्स्ट वीडियो जो है वो ट्रायल बैलेंस की आप देखें, और अपने एंड पर जो है ये जो वीडियो आपको बताई है, इस वीडियो में जो मैंने जो काम बताया इसको जो है वो इसकी थ्योरी पढ़ें और इसकी एग्जांपल्स देखें, और इंशाल्लाह ताला फिर हम जो हमारा अगला काम होगा वो इसके क्वेश्चंस की स्टार्टिंग होगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।